हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप एनटीएससी का फॉर्म निकलने वाला है तो आपकी तैयारी जोरों पे चल रही होगी। नहीं तो सोचना चालू कर दिया होगा और नहीं तो आज से चालू करना है। ठीक है ना, किसी ने सही कहा है, जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाइए, टाइम आ गया है। ऑल राइट, वंस इन ए लाइफ, एक बार लाइफ में ये मिलने वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, एग्जाम देना है, तैयारी के साथ देना है। आज हम बात करेंगे सेट के बारे में, SAT सेट, स्कॉलेस्टिक जो आपका टेस्ट होता है उसके बारे में, एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इस पेपर में 40 क्वेश्चंस आपके SST के आते हैं, 40 क्वेश्चंस साइंस के आते हैं। इंग्लिश हटा दिया गया है, इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं करनी है। और 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं। कई बच्चे जो गलती करते हैं, मैं बता देता हूं क्या करते हैं इसके अंदर, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सेट का जो पेपर होता है इसके अंदर सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं वो पूरा फोकस मैथमेटिक्स पे कर देते हैं। उसके क्वेश्चन आते हैं 20 और सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, दिमाग को खराब कर देते हैं और पूरे सेट को बिगाड़ देते हैं। इसलिए क्लियर कट है, मैथ्स पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, पूरा फोकस 80 क्वेश्चंस जो बाकी है उस पर लगाना है आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके पास में सोशल स्टडी। सोशल स्टडी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स को देखने के बाद में, लेवल 1 और लेवल 2 NCERT पढ़ लीजिए, 9th और 10th की लाइन टू लाइन रीडिंग लगा लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए। क्योंकि सेट में थियोरिटिकल पेपर है और कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। महाराणा प्रताप कहाँ, कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, अब आप आता है तो आप लिख देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिख पाएंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, अकबर से लड़ा था। आपको आते हैं तो बता दीजिए, नहीं आता है तो आप कितना ही कर लो, कुछ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप उदयपुर में थे और उदयपुर से चले और वो उनसे मिले और शायद कौन कौन से थे, किस किस से लड़े, कुछ नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है, अकबर आता है तो बता देंगे अकबर के साथ युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि इसमें सब कुछ चीजें फिक्स होगी, सब ऑलरेडी। ऐसा नहीं होगा कि अकबर को डिवाइड किया और फिर मानसिंह आया और मानसिंह को मल्टीप्लाई किया और फिर कोई जयसिंह आया और जयसिंह ने फिर लीडर बना और उससे, कुछ नहीं होने वाला है। युद्ध हल्दी घाटी में ही हुआ था, महाराणा प्रताप मेवाड़ के ही थे, शूरवीर थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि SST 40 क्वेश्चंस मैं कहता हूं जिस बच्चे को NTSC करनी है, SST को पकड़ लो, लाइन टू लाइन पढ़ लो, डेली निकाल लो कि जीवन में एक बार इस एग्जाम को देना है। आधा घंटा एक घंटा रोजाना SST के 5 पेज 6 पेज पढ़ूंगा, जब तक फर्स्ट लेवल हो सेकंड लेवल हो, रोजाना 5 to 6 पेज पढ़ूंगा 9 से लगा के 10th, और किताब के पन्ने गिन लेना। अगर रोजाना के 10 पेज पढ़ने चालू किए तो मैं आपसे कह रहा हूं 30 दिन 40 दिन जो मिलने वाले हैं उसमें सारा कोर्स आप 400 500 पेज पढ़ लेंगे। डेली पढ़िए और मार्क करिए, हाईलाइटर लगा दीजिए, किताब को थोड़ी गंदी करिए, NCERT, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल NCERT। तो मेरा पूरा पूरा आपको सजेशन है, गाइडेंस है कि प्योरली आपको NCERT से SST को पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, लाइन टू लाइन। और हाईलाइटर से बाकी फालतू की बातें छोड़ो, मेन हाईलाइटर से लगा के कर लो। और कहीं किसी के वीडियो देखना है उसकी भी कोई SST के लिए जरूरत है नहीं है, टाइम खराब करना है, अपनी बुक को पढ़ो, क्वेश्चन छाटो, लाइन लगाओ, वो आपका NCERT है, वो इनफ है, उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब साइंस पे आ जाओ, 40 क्वेश्चन। बायोलॉजी पूरी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी NCERT में से। मैं राजस्थान स्टेट लेवल का पेपर जो फर्स्ट लेवल का होता है 10 साल के निकाल के देख लिए, NCERT से मैं क्वेश्चन के क्वेश्चन बता दूं, कर लीजिए सारा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल 2 3 आएंगे लेकिन थियोरिटिकल भी पार्ट आएगा, इसलिए फिजिक्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत है। 2 3 न्यूमेरिकल कहीं अटकाते हैं, नहीं भी हुए तो क्या गया, क्या लॉस हो जाएगा, 100 में से 90 क्वेश्चन कर लिए, 10 ही हो रहे हैं, चलेंगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा अपना, समझो आप, ठीक है, बराबर। और लास्ट मैथमेटिक्स है, उसको करो, क्योंकि मैथ्स में आप कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम दे दे टाइम तो जाएगा ही, तो मैथ्स को सबसे लास्ट में करिए पेपर में, मैथ्स को सबसे लास्ट में करना है अपने को। SST बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इसको पहले करना है। अब मैथ्स में जित, क्योंकि मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग होता और NTSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए सबको भर सकते हैं पर टाइम तो चाहिए, टाइम कहां से लाओगे, 120 मिनट ही तो है, 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो फिर क्या बचा, 1.5 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन के लिए, तो फिर क्वेश्चन करना जरूरी है आपको। तो आपको ये ज्यादा, क्योंकि स्पीड भी मैटर करेगी। तो आज मैंने सेट के बारे में बताया,
और मेरी बातों पर फोकस करिए। इसके लिए ज्यादा वीडियो देख, मेट के लिए मैंने कहा था वीडियो देखना, इसके लिए मैं कह रहा हूं मत टाइम खराब करो। कोई कुछ कहेगा, कुछ कहीं कहेगा, कुछ क्या करेगा, तरह तरह के कार्यक्रम यूट्यूब पे होंगे, देखने की जरूरत नहीं है। अपनी एनसीईआरटी को देखो, सारी लाइन टू लाइन पढ़ो, हाईलाइट करो, एक घंटा दे दो, एक घंटा पर डे एसएसटी को और एक घंटा पर डे किसको, साइंस को, इतना तो देना पड़ेगा। इतने बड़े एग्जाम की बात कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग आपको कहा जाएगा और आप भी आई एम एनटीएससी स्कॉलर किसी मंच के खड़े होंगे, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सुनील कुमार, और पहली बार बोलेगा कि एनटीएससी स्कॉलर, मतलब 30 लाख स्टूडेंट्स में से 1000 स्टूडेंट्स एनटीएससी में निकलते हैं और आप एनटीएससी स्कॉलर होंगे। क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी जीवन का कितना बड़ा होगा। फक्र के साथ पापा कहेंगे माई सन इज एनटीएससी स्कॉलर, माई डॉटर इज एनटीएससी स्कॉलर। सोचो आपके बारे में जब भी कोई भाषण देगा, आपका पोर्टफोलियो यहीं से बताना चालू करेगा, टुडे आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर चीफ गेस्ट एनटीएससी स्कॉलर, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपके जीवन का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आज ही तैयारी करिए। और कमेंट बॉक्स में और आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ लिखते हैं तो आप लिखिए, उसके ऊपर वीडियो बना के हम ऑल डालेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।